हेडिंग डाली कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर एनसीईआरटी देखो पढ़ा रहे, उससे पहले बता देते हैं कि केसी सिन्हा वाला पूरा सॉल्यूशन डालल है पूरा एक एक करके, वहाँ पर भी थ्योरी सही से बताएं पूरा। थ्योरी के मतलब देखो ये कहते नहीं होता है तो हमें की करते हो ना डेफिनेशन मार रखते हो, वो थ्योरी नहीं है। थ्योरी के मतलब तो हमें कुछ ही समझते हो कि किताब में जितना लिखल है शुरू से पहले गोल पीस के पी जाना है, प्रॉब्लम बनाते हैं जो ज़रूरत पड़ता है उसके हिसाब से हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करने से पहले ही जैसे स्टार्ट किए कॉम्प्लेक्स नंबर, हिंदी में क्या बोलते हैं स मिश्र, और अगर एजाइस लिख देते हैं ना तो हो जाएगा स मिश्र संख्याएं। नामे से पता चल रहा है कि इसमें मिली जुली है, इसमें दो चीज़ मिलल रहता है, एक तो रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर तो खैर जानबे करते हैं, इमेजिनरी नंबर पहली बार पढ़ेंगे एलेवेंथ में, इससे पहले अगर पढ़बो करते थे ना पढ़ेबो करता था ना तो लिख देते थे इसका वास्तविक हल, वो अलग चीज़ है। अब पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी है इसीलिए इसको आई से डिनोट किया जाता है या फिर इसको आयोटा भी पढ़ते हैं, स्पेलिंग तो खैर नहीं जानते हैं, गूगल पर सर्च कर लीजिएगा आयोटा। आई का मतलब कुछ लोग के कहना है कि वो इमेजिनरी है इसलिए आई है, नहीं नहीं आयोटा बोलते हैं, आई मतलब आयोटा और इसका मान होता है रूट हंड्रेड माइनस वन। लेकिन कहाँ से इतना जल्दी माने पे उतर गए आप सर डायरेक्ट, नहीं नहीं तुरंत तो नहीं आ रहे हैं टॉपिक का रहे हैं। फिलहाल तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है वो पढ़ने गए तो पता चला कि उसमें दो तरह के मिली जुली है, सम्मिश्रण है, किसका किसका, एगो रियल नंबर के और एगो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बाद में पढ़ेंगे, पहले तो लिखना होगा रियल नंबर क्या, लिखिए कॉम्प्लेक्स नंबर की जानकारी तो हम बाद में लेंगे, पहले तो रियल नंबर हम पढ़ेंगे। रियल नंबर होता क्या है संभल के लिखिएगा आप लोग भी, क्योंकि बोलने में परेशानी आज होगा हमको। रियल नंबर कह सकते हैं वैसी संख्याएं, अच्छा इंग्लिश में ही बोलेंगे पहले हिंदी में बोलते हैं, वैसी संख्याएं जिसका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त होता है। ब्लर ब्लर नहीं होगा, वैसी संख्याएं जिसका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त होता है, वैसी संख्याएं जिसका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त होता है। कोई भी नंबर उठा लो जिसका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त होता है उसे रियल नंबर कहते हैं। वहाँ तक साउंड नहीं जाएगा, अच्छा आवाजिया नहीं जाएगा। वैसी संख्याएं जिसका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त होता है, अब जिसका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं कि रूट अंडर दो, मेरा बंद करो इसको बढ़िया नहीं जाता, रूट अंडर दो, रूट टू के अगर स्क्वायर कर भी देते हैं ना तो दो, और दो एक पॉजिटिव नंबर है एक धनात्मक संख्या, अच्छा इंग्लिश में तो बोलवे नहीं किए। तो नंबर्स, द नंबर्स विच गिव, द नंबर्स विच गिव अ पॉजिटिव नंबर After, after, after squaring या their squaring, अगर आप number लिखते हैं तो its squaring लिखेंगे और अगर numbers लिख दिए हैं तो their squaring लिखेंगे। After squaring खाली कर दो ना भाई, the numbers या the number
द नंबर लिखेंगे तो बोलेंगे विच गिव्स द नंबर विच गिव्स ए पॉजिटिव नंबर आफ्टर इट्स स्क्वायरिंग या स्क्वायरिंग ऑफ इट्स जो भी लिखिए, वैसी संख्याएं जो एक धनात्मक संख्या देता है कब वर्ग करने पर, जैसे मैं रूट दूँ, जैसे मैं माइनस टू अगर है तो माइनस टू है समझ रहे हैं, लेकिन जैसे ही स्क्वायर करेंगे ना अभी हो जाएगा प्लस में। मान लेते हैं कि माइनस में रूट अंडर थ्री है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइनस में अगर स्क्वायर करेंगे ना तो ये हो जाएगा स्क्वायर और रूट ख़त्म तीन, और माइनस माइनस दो बार लिखिएगा तो ऐसे भी प्लस। तो ये सब सब जितना लिख रहे हैं इस सब के सब कौन से नंबर है, रियल नंबर। लेकिन इमेजनरी की बात करते हैं, कोई वैसा नंबर ढूंढते हैं, मान लो माइनस टू, और माइनस टू के अगर स्क्वायर हम कर भी देते हैं ना तो रूट से स्क्वायर ख़त्म, यानी बच जाएगा फिर भी कितना, तो प्लस में आया ना। जैसे रूट अंडर माइनस में फाइव, इसका स्क्वायर कर भी देते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस में फाइव। और ऐसे भी सोचना है, अगर हम कहें कि रूट अंडर सोलह के वैल्यू बता, रूट अंडर सोलह के वैल्यू फोर, दोनों फोर हो सकता है, या तो प्लस में या तो जैसे सोलह पूछ रहे हैं तो सोलह के वर्गमूल पूछ रहे हैं, तो या तो प्लस फोर होगा या तो माइनस फोर होगा। मतलब प्लस फोर को प्लस फोर से गुना करो तब भी सोलह आ जाएगा, माइनस फोर को माइनस फोर से गुना करो तब भी। जैसे हम कहें कि पाँच गुने पाँच कितना होता है, पच्चीस, नहीं नहीं माइनस पाँच गुने माइनस पाँच लिखेंगे तब भी कितना होता है, पच्चीस। इसलिए कहा जाता है कि पच्चीस का वर्गमूल निकालोगे तो पाँच, या पच्चीस का वर्गमूल निकालोगे तो दोनों मिलाकर ही बोलिए ना कि पच्चीस का वर्गमूल प्लस माइनस पाँच दोनों होता है। यही वजह से वर्गमूल के आगे हमेशा लिखा जाता है प्लस और। लेकिन एजा पे वो सब मुद्दा नहीं, मेन मुद्दा ही है ना कि आप हमको ही बताइए कि माइनस सोलह एक का वर्गमूल क्या होगा। यहाँ हम वर्गमूल सिखाने नहीं आए, सिखाने तो कुछ और आए हैं, वहाँ तक ले जाने के लिए सब बात कर रहे हैं। बोलो इसका वर्गमूल क्या लिखेंगे, माइनस चार, माइनस चार। देखो सोलह है तो प्लस चार, तो माइनस सोलह है तो माइनस चार हो जाएगा। अगर वैसा होता तो एक बार चेक करके देख लो तो कि माइनस चार गुने माइनस चार, क्योंकि स्क्वायर का नियम में होता है कि उसी नंबर को उसी नंबर से गुना कीजिए, कोई भी नंबर। जैसे इन्हें प्लस है तो इधरों प्लस, या फिर मान लो यहाँ माइनस है तो इधर भी, अगर इधर चार है तो इधर भी चार होना चाहिए। मतलब सेम नंबर एकदम सेम टू सेम एकदम होना चाहिए, उसी को उसी से गुना कर दीजिए जो आएगा। तो माइनस चार गुना करेंगे तो सोलह, कितना दिमाग लगाता है कि ऐसे कीजिए ना कि प्लस चार उठा लीजिए तो स्क्वायर के डिफिनेशन आप बदल दिए तो फिर अनर्थ कर दिए। ये वर्ग है तब तो आप नाम ही निशान एकदम चेंज कर दिए, तब तो आप स्क्वायर के डिफिनेशन में बदल दिए। स्क्वायर के डिफिनेशन फिक्स होता है, कोई बात नहीं, यहाँ से डाउनलोड कर लेना फिर कट करके अपलोड कर देना अगर मन है तो। हम कॉपीराइट इशू नहीं दिए हैं किसी को। प्लस फोर और माइनस फोर, तो प्लस फोर और माइनस फोर अगर गुना करते भी हैं तो मान लेते हैं माइनस सोलह आ जाएगा, लेकिन ये तो वर्ग है ही नहीं, तो डिफिनेशन में गलत है। इसका मतलब है कि ऐसा का सिचुएशन आने के बाद हम अटक जाएंगे, ऐसा सिचुएशन में हम अटक जाएंगे। जब जब ऐसा मिलेगा तब तब परेशानी होगा। जहाँ भी जैसे मान लेते हैं कि रूट अंडर माइनस सोलह, रूट अंडर माइनस पच्चीस, रूट अंडर माइनस छत्तीस, बार बार हमको दिक्कत होगा। और दिक्कत सिर्फ इसलिए से होगा ना, इस वजह से होगा माइनस माइनस माइनस। अगर माइनस नहीं होता, माइनस नहीं होता तो ठीक ठाक होता। जैसे ये जो मिटाते हैं देखो, यहीं बताते हैं, कहाँ बताएं, चलो इतना तो भी हट जा। देखो अगर मान लेते हैं कि रूट अंडर माइनस सोलह, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि रूट अंडर सोलह और गुने में अलग से लिख देते हैं रूट अंडर माइनस वन, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी के वजह से तो इसको परेशानी हो गया था। जैसे रूट अंडर माइनस पच्चीस है तो बोलेंगे रूट अंडर पच्चीस, और इसके वजह से परेशानी, जिस वजह से उसको परेशानी हो रहा है उसको बाहर लिखो अलग से। जैसे रूट अंडर माइनस में छत्तीस है तो रूट अंडर छत्तीस लिखो, और जिसके वजह से उसको दिक्कत हो रहा है उसको अलग से लिखो। अब जैसे ही लिखें
तो रूट 16 कौन सा संख्या है? वास्तविक संख्या। रूट 36 कौन सा संख्या है? वास्तविक संख्या। हाँ रूट 25, रूट 36 भी कौन सा संख्या? तो ये सब तो वास्तविक है, तो कौन था जिसके वजह से ही इमेजनरी बन गया, मतलब अवास्तविक, किसके वजह से इमेजनरी बना? किस, जैसे रूट अंडर -49, तो रूट अंडर 49 लिखो और गुने में रूट अंडर, यानी कोई तो है जिसके वजह से बेचारा ये सब सब के सब इमेजनरी कहलाता, किसके वजह से? रूट अंडर। यही है जिसके वजह से इधर वाला सब के सब नंबर क्या कहला रहा था, बदनाम हो गया या इमेजनरी बन गया, इमेजनरी नंबर। और उसका मेन रीजन कौन था, कौन था जो सबको इमेजनरी बना रहा था? ई वाला, इसी को बोलते हैं इमेजनरी, या बोलते हैं आयोटा। इमेजनरी के लिए आई समझो या आयोटा समझो। तो आज के बाद हम याद रखेंगे कि आई बराबर एगो मान होता है कितना, रूट अंडर स्टार्ट। इस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भेरी 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 जितना तो नहीं भेरी लगाते उन लगा दो। आई का मान कितना होता है? रूट अंडर -1, उसको बोलते हैं आयोटा। और काहे शुरुआत हुआ? क्योंकि इमेजनरी नंबर को इमेजनरी से बाहर निकालने के लिए, हम इमेजनरी को थोड़ा सा रियल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। बना तो नहीं सकते रियल, हम ही नहीं कहते हैं रियल बना देंगे, असंभव है। लेकिन रूट अंडर -16, तो -16 के वर्गमूल निकाल पाना माथा दर्द ये हो ही नहीं सकता, ये तो एकदम अनर्गल हो गया, तो वही हो गया कि चांद को धरती पिलाइए। ऐसे हो सकता है कोई मैथमेटिशियन करे, हम आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ से इसको अलग कर दें, मतलब लिख दें रूट अंडर -1 अलग से, तो 16 के वर्गमूल जानते हैं कितना, इसका वर्गमूल जानते हैं। तो जिसका जानते हैं ठीक है, और सब में एक चीज़ कॉमन है जिसके कारण से डिस्टर्बेंस पैदा हुआ, वो कौन है? तो रूट अंडर -1 को आज के बाद हम लिखेंगे आई आई आई। जब भी रूट अंडर -1 बोले समझ जाना आई, या आई अगर बोले तो समझ जाना रूट अंडर। नोट डाउन कीजिए। अच्छा नोट डाउन करने से पहले लिख लो डेफिनेशन, अभी तो लिखे थे रियल नंबर के, अब लिख ले इमेजनरी नंबर के, मतलब क्या उसको बोलेंगे, काल्पनिक संख्या। वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं या वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त नहीं होता। देखो गिर गया ना, अरे कोई बात नहीं, देखो ऐसे भी तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर चाहते भी हो ना। देखो उसको मालूम है, वही सब करता है, डाउनलोड करो, थोड़ा सा कट ट्रिम करो, अपलोड कर दो, कॉपीराइट इशू नहीं आएगा। अरे सहू हमारे वीडियो पे कॉपीराइट नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा। उसके लिए जैसे कि यूट्यूब कहता है, तो हम वो सब नहीं क्लिक किए हैं, जिसको जे करना है करो, कोई दिक्कत नहीं। खाली थोड़ा सा कट ट्रिम कर लीजिएगा हल्का सा, हू बहू डालिएगा तो यूट्यूब अपने स्ट्राइक कर देगा, हू बहू नहीं डालना होता। वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त नहीं होता, उसे हाँ अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या कहते हैं। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, डेफिनेशन तो रटने नहीं, ऐसे ही लिखा दे रहे हैं बस आपके समझ के लिए। समझ गए तो ठीक है, डेफिनेशन को चूल्हा में झोंको, डेफिनेशन ना तो हम पूछेंगे ना ही आपको ज़रूरत है। द नंबर विच, नंबर लिखे हैं तो डज लिखिएगा, और अगर नंबर्स लिख दोगे तो डू लिखोगे। द नंबर विच डज नॉट गिव अ पॉजिटिव नंबर द नंबर विच डज नॉट गिव ए पॉजिटिव नंबर आफ्टर इट्स स्क्वायरिंग द नंबर विच डज नॉट गिव ए पॉजिटिव नंबर आफ्टर इट्स स्क्वायरिंग इज कॉल्ड इमेजनरी नंबर। अब इमेजनरी नंबर तो खैर रूट अंडर -16 भी है, रूट अंडर -25 भी है, रूट अंडर माइनस दिमाग में ही फिट कर दिया जाता है बुतरू के, नहीं कि इमेजनरी नंबर बोलिए एक रूट अंडर -1 तो यह ढक्कन इमेजनरी नंबर ही थोड़ा है, मतलब ये तो है ही है, ये तो है ही है, लेकिन सब है इमेजनरी है। वे सभी संख्याएं जिसका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त, इसको तो अलग से आई लिखा गया, लेकिन इसको इमेजनरी बोलेंगे तो फिर इसको बुरा लग जाएगा, एकरा अगर खाली इमेजनरी बोलेंगे तो बुरा मान जाएगा,
तो इसको स्पेशली नाम दिया गया आयोटा। तो आज के बाद आई को आयोटा बोलेंगे, आई आई सेट टू बी आयोटा, आई इज कॉल्ड आयोटा। स्पेलिंग तो आप लोग गूगल कर लीजिएगा थोड़ा सा, आई ओ टी ए जो भी होता हो आयोटा। आई फॉर इमेजनरी नहीं बोलना है तो मामले गड़बड़ा जाएगा। हाँ इमेजनरी कह सकते हैं क्योंकि एकर उत्पत्ति हुआ है इमेजनरी से, इसलिए आई आई चलता है। लेकिन आई का ही मतलब नहीं होता है कि इमेजनरी डायरेक्ट, आई का मतलब होता है आयोटा। और आयोटा के वैल्यू कितना होता है? अंडर रूट माइनस वन। आज के बाद कहीं भी अगर लिखल रहेगा आई तो समझ जाना है कि उसका वैल्यू कितना है, रूट अंडर माइनस। बस अभी संभाल के रखो, एकर काम आगे होगा, अभी नहीं। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पर। इसको तो गलती से भी भूलना नहीं, ये भूल गए तो आप गए काम से, यही तो मेन चीज़ है इसमें। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है लिख लो, हिंदी में लिखेंगे वैसी संख्याएं जो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के मिलने से बनता है या मेल से बनता है। वैसी संख्याएं जो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के मिलने से बनता है या मेल से बनता है उसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या कहते हैं। वैसी संख्याएं जो वास्तविक संख्या, जो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के मिलने से बनता है उसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं। और आज के बाद याद रखिएगा कि सम्मिश्र संख्या को जेड से डिनोट करते हैं, जेड 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 से सूचित करते हैं। जेड बराबर क्या होता है? तो जेड बराबर फिक्स नहीं, जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई भी हो सकता है, या तो जेड बराबर ए प्लस आई बी भी हो सकता है, या तो जेड बराबर एम प्लस आई एन कुछ भी हो सकता है। ध्यान ही रखना है ना कि इसमें जो एक्स है, मतलब डायरेक्ट ऐसे बोलो ना कि इधर वाला जो हिस्सा है इसको बोलेंगे रियल पार्ट। इसको ऐसे लिखा जाता है, रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, आर ई जेड। और इधर वाला जो है जैसे वाई है, बी है और एन है, ई सब हिस्सा, ई सभी सब, ये सबको बोलते हैं इमेजनरी पार्ट। आई एम और जी लिखो या नहीं लिखो, आई एम जी जेड, ये हो गया रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हो गया, मतलब इसकी अगर बात करें तो इसमें से बताइए रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू एक्स, इमेजनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू वाई। वैसे ही दूसरे में लिख लीजिएगा, इसमें ए उसमें बी, जैसे यही तीसरा में बात करें कि रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू एम, इमेजनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू एन। ये आपके पता नहीं एनसीईआरटी में है कि नहीं, केसी से नाम भरल था कि इमेजनरी पार्ट बताइए और रियल पार्ट बताइए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा ऐसा फॉर्म में। मान लो अगर कभी ऐसा सिचुएशन, एक एग्जाम्पल दे देते हैं कि कभी ऐसा आ गया फोर, तो बोलो इसमें रियल पार्ट कौन है? अगर जेड बराबर बात करें चार है तो रियल पार्ट खुद हो गया कितना? चार। कोई पूछे इमेजनरी पार्ट बताइए तो है ये नहीं जीरो। कभी कभी ऐसा भी एग्जांपल आ जाता है कि फोर आई है, तो ऐसा सिचुएशन में बताइए रियल पार्ट जीरो और इमेजनरी पार्ट बताइए चार फोर। तो ध्यान देना है कि कभी कभी रियल मिलेगा तो कभी कभी खाली इमेजनरी मिलेगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में दोनों बताना होता है, रियल पार्ट भी और। तो अगर रियल पार्ट है तो ठीक है लिखो, इमेजनरी को जीरो कर दीजिए, और अगर सिर्फ इमेजनरी है तो रियल को जीरो कर दो। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में पूछेगा तो रियल इमेजनरी दोनों बताना पड़ेगा। तो इंग्लिश में लिख लेंगे, द नंबर विच ऑब्टेंड या विच इज ऑब्टेंड, द नंबर विच ऑब्टेंड, विच नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, द नंबर ऑब्टेंड ओ बी टी ए आई एन ई डी, नंबर द नंबर ऑब्टेंड, द नंबर ऑब्टेंड बाई द, हाँ बाई द कम्बिनेशन ऑफ या कम्बाइनिंग ऑफ, बाई द कम्बिनेशन ऑफ या बाई द कम्बाइनिंग ऑफ, बाई कम्बाइनिंग ऑफ रियल नंबर एंड इमेजनरी नंबर, इमेजनरी नंबर। इसलिए हम बार बार जोर दे रहे हैं कि इमेजनरी नंबर का ही मतलब नहीं होता है रूट अंडर माइनस वन, वो आयोटा है, मतलब वो भी होता है सिर्फ वही नहीं होता है। इट इज़ डिनोटेड बाई, फिर से रिपीट करते, द नंबर ऑब्टेंड बाई कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजनरी नंबर, इट इज़ डिनोटेड बाई
जेड, जेड इज इक्वल टू, चारों में से कुछ भी लिख लीजिए, कुछ भी चारों में से कोई भी, अब कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू हुआ है, अगर टाइम मिलता है तो एक दिन में एक का को ज़्यादा धकिया लें, एक को दो को करके कैसे से ना कंप्लीट कर लो, एक टाइप दो टाइप करके टोटल होगा कै गो, 22 को कै गो 33 गो, हाँ तो एक महीना चलेगा, तो एक महीना कोची डबल डबल अगर करते हो तो 16 दिन चलेगा। अब 33 गो तू सोचेगा हम एक के दिन में बैठे सवेरे शाम को ख़त्म कर ले, तो कोई फ़ायदा हुआ? वैसे नहीं मैं पढ़ल जाता है, फिर तो वही हो गया कि एक काम करते हैं ना, गर्मी बड़ी ज़्यादा आ रहा है, जड़ में भर दम 4 महीना के बदले खाना पीना खा लेते हैं, अब फिर 4 महीना नहीं खाना पीना खाएंगे, कोई मतलब हो गया? एक दिन नहीं बनाना है, दो डबल डबल करके देखिए, ज़्यादा हो गया तो। फिलहाल अभी NCERT पे ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको डिनोट करते हैं जेड से, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चार को वैल्यू लिखेंगे, चारों बहुत जरूरी है अभी के लिए, एक तो सूर्यम लिखेंगे आई बराबर अंडर रूट माइनस वन, जो कि अब याद रहेगा, अगर हम कहें कि आई को आई से गुना कर दीजिए, मतलब हम इनडायरेक्ट आपसे पूछ रहे हैं आई स्क्वायर के मतलब पूछ रहे हैं रूट अंडर माइनस वन को रूट अंडर माइनस वन से गुना कर दो, तो गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, रूट से रूट खत्म, मतलब फिर भी तो फाइनली एक चीज़ तो ये याद रखना है कि आई का वैल्यू कितना, अब दूसरा भी याद रखना है कि इसी लाइन में देखो ना भाई, यहीं पे आई स्क्वायर की वैल्यू कितना, माइनस वन, जो बॉक्स में घेरे इम्पोर्टेंट है, पहला बॉक्स इम्पोर्टेंट है, दूसरा इम्पोर्टेंट है, तीसरा ही पूछेंगे आई क्यूब के वैल्यू, ई तो एकदम याद होना ही चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आई क्यूब मतलब आई क्यूब को आप लिख सकते हैं आई स्क्वायर गुने में आई, और आई स्क्वायर के वैल्यू तो खैर अभी अभी निकालें माइनस वन और गुने में आई, तो मतलब माइनस में आई ने हो जाएगा, यानी अब जो तीसरा बॉक्स याद रखना है वो ई है कि आई क्यूब अगर कहीं भी दिखाई दे तो डायरेक्ट लिखो, बार बार उतना नहीं बनाना, रूट अंडर माइनस आई, सिर्फ बॉक्स वाला चीज़ पहला दूसरा तीसरा याद रखना। चौथा, अगर आई टू दी पावर फोर कहें तो आई टू दी पावर फोर मतलब है आई स्क्वायर गुने आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर के वैल्यू माइनस वन गुने आई स्क्वायर के वैल्यू माइनस वन, तो प्लस वन हो गया, यानी चौथा बात ये याद रखना है कि आई टू दी पावर फोर के वैल्यू कितना हुआ। ये चारों बॉक्स जैसे भी हो इसको रख लीजिए, चारों के चारों, इससे बड़ा होगा तो हम संभाल लेंगे, आपको टेंशन नहीं, वो हम संभाल लेंगे, आप ये चारों सिर्फ याद रखिएगा, इसके आगे का वैल्यू हम देख लेंगे। ये चारों बॉक्स बॉक्स में ही घेर के लिखना है, जिससे कि आपको एक झलक में दिखाई दे जाए कि हाँ हम बताए थे, ये चारों ऐसा जगह लिखना है, इस तरह से लिखना है कि कभी भी देखे तो नज़र आ जाए, हाइलाइटर हो तो हाइलाइट कर लो, जो करना है करो, लेकिन चारों याद होना चाहिए, तो रट सकते हैं तो रट लीजिए चारों चारों।
आई टू द पावर फोर के वैल्यू एक। अब ध्यान देना कि आई टू द पावर अगर आठ के बात करें तो इसका मतलब होता है आई टू द पावर फोर गुने आई टू द पावर फोर, तो चार और चार दोनों पावर जुड़ के आठ ही ना हो जाएगा, और हम जानते हैं कि इसका वैल्यू एक, इसका वैल्यू एक, तो फाइनली कितना। अच्छा वैसे ही आई टू द पावर अगर आठ क्या हम बात कर लें बारह के आठ के बजाय, तो इसका मतलब आई टू द पावर फोर गुने आई टू द पावर फोर गुने आई टू द पावर फोर, तब भी वन गुने वन गुने वन मतलब मिला जुला के वन। अच्छा आई टू द पावर बारह भी अच्छा नहीं लग रहा, सोलह दे देते हैं, तो सोलह मतलब आई टू द पावर फोर गुने आई टू द पावर फोर गुने आई टू द पावर फोर गुने आई टू द पावर फोर वन गुने वन गुने वन बराबर, मतलब इतना दिमाग में हट गया कि हाँ भाई आई टू द पावर चार रहे आठ रहे बारह रहे सोलह रहे बीस रहे कुछ भी रहे चार से कटने वाला रहे। जैसे मान लेते हैं कि आई टू द पावर डायरेक्ट फोर एन, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं छोटा ना, डायरेक्ट लिखते हैं आई टू द पावर फोर एन, इतना बड़ा आई है और उसमें पावर, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा एक। इसका भी मान याद कैसे रखेंगे, तो देखो इसको ऐसे लिखना कि पहले आई टू द पावर फोर और उस पर भी पावर क्या एन, पावर के ऊपर पावर, तो हम जानते हैं कि पावर के ऊपर पावर अगर है तो दोनों आपस में गुना जुटेगा ना, गुना होता जुटता कब, जब बेस सेम हो और गुना गुना में रहेगा तब ने, वहाँ जुटेगा ना, यहाँ गुना होगा दोनों पावर और गुना होकर कितना हो जाएगा। तो वैसे काहे लिखे, इसलिए लिखें जिससे कि हम आई टू द पावर फोर को बैठा सकते हैं वन, और वन पे पावर जितना भी दे दो कितना हो जाएगा वन। तो आज के बाद एक चीज़ समझ में आ गया कि अच्छा आई टू द पावर फोर एन ये तो कैसे से नाम है डायरेक्ट हिसाबे है, कैसे से नाम डायरेक्ट है को हिसाब है ऐसे कि आई टू द पावर फोर एन तो डायरेक्ट वन, आई टू द पावर चार से कटने वाला कोई भी वैल्यू रहे उसका डायरेक्ट मान याद रखना है एक। अच्छा एक मिनट आगे बढ़े इस पहले, अगर आई टू द पावर मान लेते हैं कि हम आपको दे दिए 25 तो क्या कीजिएगा, तो 25 न है एरा लिखेंगे आई टू द पावर 24 और गुने आई टू द पावर 1, ऐसे काहे लिखते हैं आई टू द पावर 24 अलग से इसलिए लिखा जाता है जिससे किसका मान डायरेक्ट कितना हो जाए एक और बचे सिर्फ आई। आई टू द पावर मान लेते हैं कि अगर 27 दे दिए तो भी आई टू द पावर 24 और फिर आई टू द पावर 3 एक मान तो इसे भी बचा आई क्यूब, और आई क्यूब अभी अभी बोले थे रट लो माइनस आई हो गया। अच्छा आई टू द पावर अगर रह गया 527 तो क्या करेंगे, तो ये जान दिमाग लगा लेते हैं कि 24 एक 24 तीन, हम यहाँ पर भी देखो समझाते हैं पावर कितना दिखाई दे रहा है, ये पावर कितना दिखाई दे रहा है एक मिनट एक 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 करके बताते सब मिटा देते हैं, लिखना है कि सब कहाँ जाएगा यूट्यूब पे तो पढ़ लेने हैं। देखो आई टू द पावर मान लेते हैं हम अभी बोले थे कितना 27 एन, हाँ वो भी देखते हैं पहले 27 एन बोले हैं, तो अगर पावर चार से बड़ा दिखाई दे तो उतना दिमाग पर जोर नहीं डालना है, चार से बड़ा है ना डायरेक्ट इसमें भागा दो किससे चार छके कट गया, शेषफल कितना बचा, जो शेषफल बचा है ना वही पकड़ के चलना और वही लिखना आई टू द पावर कितना 3, बाकी कायन लिखे क्योंकि ऐसे भी तो एक हो गया था, तो हम बैठाते किसको है सिर्फ शेषफल को, बाकी तो ख़त्म हो जाता है और इसी का वैल्यू बैठाते हैं क्या माइनस आई। जैसे आई टू द पावर अगर हम कहें कि ठीक है आई टू द पावर जरा अब बताइए तो आई टू द पावर 39 है इसका वैल्यू क्या होगा, छोड़ो 39 ज़्यादा लिखा गया 36 है बोलो कितना होगा। तो एक तरीका तो आप ऐसे समझते हैं कि 36 के बजाय 38 से देते 38, तो एक तरीका तो ऐसे समझते हैं कि इसको आई टू द पावर 36 लिखिए सर आगोने में आई स्क्वायर, ये तो पावर चार से कटे वाला है और अगर पावर चार से कटने वाला है तो वैल्यू 1 और इसका वैल्यू -1, तो घुमा फिरा के
माइनस वन, इतना मेहनत कायल किए, ये जो 36 है ना आई टू द पावर, ये तो 1 हो जाता। तो हम बताते हैं, अगर पावर 4 से बड़ा दिखाई दे, कभी भी 4 से बड़ा पावर दिखाई दे, तुरंत भागा दो किससे, 4 नमा, शेषफल कितना बचा, 2। जो शेषफल बचे ना वही उठाओ, आई टू द पावर कितना 2, और लिखो आई टू द पावर 2 के वैल्यू माइनस 1 हो जाएगा। एक चीज, अगर आई टू द पावर अभी बात कर रहे थे 527, तो ये तो 527 है, मतलब 4 से बड़ा पावर है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो फिर वही काम करो कि 527 में भागा दो किससे, 4 से, 4 एकम 4, 4 थिया 12, 7 उतरा, 4 एकम 4, तो जितना शेषफल बच गया है ना सिर्फ वही लिखना, आई टू द पावर कितना 3, बाकी कायन लिखे नहीं लिखेंगे। कोई अनर्गल कहे कि हम लिखेंगे आई टू द पावर 524, कोई फायदा नहीं, ओकर माने से भी एक, सिर्फ 3 लिखो, और आई क्यूब के वैल्यू बोले हैं रट लो माइनस आई। जैसे आई टू द पावर मान लेते हैं कि कोई दे दिया इतना बड़ा, ठीक है, और कह देगा इसका वैल्यू बता, 1 1 1 1, नहीं ना लास्ट देख के नहीं बोलते, बताते कैसे 1 बोलते हैं। पावर हमको यही चेक करना है कि 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 4 से कटने के नियम होता है ना कि अंतिम वाला 2 डिजिट देखो, एक होना है, एक डिजिट देख कर आप फैसला नहीं कर सकते। आपको क्या लगा कि 4 देख कर हम खुश हो गए हैं कि कट गया, 2 डिजिट देख कर पता चलता है कि 4 से कटेगा। या जैसे आई टू द पावर कोई दे दे बहुत बड़ा दे दे, ठीक है, हम ही तुमको दे देते हैं, ठीक है, ढेर बड़ा मान देते हैं, हाँ पूरा जे मन में आता है दे देते हैं, ठीक है, और कह दिए कि इसका वैल्यू बताओ कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि वो डिसाइड होता है यहाँ से अंतिम वाला 2 पावर से। और यही सब आपके वो जो किताबा उठा है ना NDA वाला, इसमें भरल रहेगा, इतना बड़ा पावर रहेगा कि आदमी कन्फ्यूज्ड और लगेगा भागा देना है, वो जान बूझ के देता है तुमको ट्रिक वाला, भागे देने नहीं है, अंतिम वाला वो फिटे कर देगा ऐसा से कि 4 से कट जाएगा, फिट करके दिया है कि 4 से कट जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे हम सिंपल हल्का ज़्यादा टफ ना मान लेते हैं कि एजा पे, चलो ये सब सब के सब विषम रखते हैं, 3 7 5 सब विषम है, और लास्ट में कर दिए क्या चीज 12, लास्ट वाला 2 डिजिट क्या है 12, ये 4 से कट जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 1। रहा बात कि किसी को भरोसा अगर नहीं है तो भरोसा देवावेले हो रहा 3 5 7 12 से 4 से भागा दे के दिखा देना। 4 से कटने का रूल होता है कि अंतिम वाला 2 डिजिट, जैसे देखो 2 से कटने का क्या रूल है कि अंतिम वाला 1 डिजिट, अंतिम वाला 2 से कट जाए, जैसे अंतिम में 2 का 2, 2 दुनी 4, 2 तीया 6, 2 चार 8 या 2 पचे 10 के 2 से कटे के रूल है कि अंतिम वाला 1 डिजिट 2 से कटे, 4 से कटे का रूल है कि अंतिम वाला 2 डिजिट 4 से कटे, 8 से कटे का रूल है कि अंतिम वाला 3 डिजिट 8 से कटे, 3 डिजिट, जैसे 8 से चेक करना होगा तो पता है आपको 416 कंसीडर करे पड़ेगा, और फिर देखे पड़ेगा कि 8 से कटता है कि नहीं, ये 8 से कटता है या नहीं कटता है, तो आपको 984 सोचे पड़ेगा। फिलहाल भागा दे रहे थे, चरनामा घट के कट गया ना, यानी कि इसका डायरेक्ट मान कितना हो जाएगा 1, और इतना बड़ा दे देता है तो भागा कैसे दे, नहीं देना डायरेक्ट 1 लिखिए। तो 4 से कटे वाला कुछ भी रहे 1, लेकिन 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 अगर एजे पे मान लो हम कह देते हैं यहीं पर कि आई टू द पावर 1001 दे दिया गया, अब बताइए आई होगा, क्योंकि अगर ये 1000 होता ना तो पूरा पूरे 4 से शेषफल बचेगा कितना इसमें, और जो बचा तो वही आंसर हो गया। तो बाकी प्रॉब्लम कल एक्सरसाइज इसमें जो भी है ना, पता नहीं कौन से एक्सरसाइज है, कैमा 4.1 पूरा ख़त्म, मतलब कल ख़त्म कर देंगे जो है, जो थ्योरी है था शुरू में।
थ्योरी के नाम पे यही होता है, वो जो आप लोग देखते हैं ना जेड प्लस जेड वन जेड टू, हाँ इसका फिर कंजुगेट आएगा, ठीक है पोलर फॉर्म आएगा। और अगर बहुत ज़्यादा थ्योरी देखना है तो आप केसेस ना देख लीजिए, समझ में आ जाएगा दिन रात क्या है।